जो लोग जीवन में सफल होते हैं ऊपर तक जाते हैं, और जो लोग नहीं जीत पाते हैं हार जाते हैं या बहुत ज़्यादा सफल नहीं होते हैं अपने गोल में, उनमें क्या अंतर होता है? बुद्धि का तो ज़्यादा अंतर नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि जो सफल नहीं हुए उनकी बुद्धि बिल्कुल नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा अंतर है। क्या अंतर होता है? अंतर होता है दृष्टि का, दूरदृष्टि का। जो जीतने वाला व्यक्ति है वो सफलता को देख पाता है, वो उस चीज़ को देख पाता है क्या मिलेगा, और जो हारने वाला व्यक्ति है वो अक्सर प्रॉब्लम को देख पाता है, वो अक्सर वो देख पाता है कि इस चीज़ में क्या नुकसान हो सकता है, तो उसमें आगे बढ़ता ही नहीं है। और जो दिख पाता है कि क्या हो सकता है, क्या मिलेगा, क्या अपॉर्चुनिटी है, वो आगे बढ़ता है, और जो चीज़ें बीच में प्रॉब्लम आती है उसको किसी तरह से सॉल्व कर ही लेता है। उतार चढ़ाव जरूर आते हैं, पर अक्सर ऐसे ही लोग जीवन में जीत जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो किसी और मिट्टी के बने होते हैं, पर उनकी दृष्टि जरूर थोड़ी दूसरी होती है, तरीका थोड़ा दूसरा होता है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। खैर, मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो सही राशि वालों के लिए लेके आया हूँ, क्योंकि गुरु गुरु जो कि आपकी कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण ग्रहों में से एक हैं, वो वक्री हो रहे हैं। सूर्य के मित्र हैं, सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं, वक्री हो रहे हैं, और वो भी भाग्य के भाव में, लक के, फॉर्चून के भाव में बैठ के वक्री हो रहे हैं। तो उनका ये जो वक्रत्व है वो क्या आपको देगा? वैसे वक्री ग्रह होता क्या है? देखिए, वैसे तो कोई ग्रह कभी पीछे जाता नहीं। वक्री ग्रह मतलब ऐसा ग्रह जो ऐसा लग रहा हो कि पीछे जा रहा है, पर लग रहा होता है, रियलिटी में नहीं होता है, प्रतीति होती है। जैसे कि हमको लगता है कि सूर्य हमारे चारों तरफ घूम रहा है, पूर्व में उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है, पर रियलिटी में तो ना वो उदय होता है ना वो अस्त होता है ना? ठीक उसी तरह ये भी ऐसा दिखाई पड़ता है कि हाँ कि, और कहीं ना कहीं ये इस तरह का क्यों होता है? क्योंकि सूर्य जो है राजा है, सूर्य कमांड करते हैं कौन कितना दूर जा सकता है, कितनी दूर जा सकते हैं, उसके बाद वापस आना है, फिर से चलना है। बस चंद्रमा को ये फ्रीडम है जो अपनी गति से चलते हैं, क्योंकि वो रानी है। अदरवाइज जैसे बुध हैं, एक ग्रह आगे पीछे जा सकते हैं, ज़्यादा नहीं जा सकते। मंगल हैं, गुरु हैं, शनि हैं, ये पूरा जा सकते हैं, पर इनको भी ये है कि भाई कितने समय में कितना चलना है। एक समय के बाद इनको वक्री होना पड़ता है और फिर से चलते हैं ये। तो इसलिए अब आ जाते हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा। बकरी का दूसरा मतलब ये भी है कि नॉर्मल से थोड़ा सा अलग, टेढ़ा मेढ़ा, ऊपर नीचे, उस तरह से नहीं जैसे होना चाहिए, ये भी है। अब आपके भाग्य के भाव में बकरी हो गए गुरु, जो कि पंचमेश हैं और अष्टमेश हैं, तो सबसे पहला जो प्रभाव डालेंगे वो जहाँ पर हैं वहाँ डालेंगे। भाग्य के भाव में बैठे हैं, अच्छे हैं, यहाँ से आपके प्रथम भाव को प्रभावित करेंगे उसके रिजल्ट देंगे, तृतीय भाव को प्रभावित करेंगे उसके रिजल्ट देंगे, पंचम भाव को प्रभावित करेंगे उसके रिजल्ट देंगे, साथ में ही जहां बैठे हैं उसके और उससे बारहवें भाव मतलब अष्टम के रिजल्ट देंगे। वैसे तो ये प्रथम भाव, तृतीय भाव, पंचम भाव और नवम के वो रिजल्ट दे ही रहे थे, यहां पे ही बैठे हैं। तो अब अंतर क्या आया? अंतर ये आया कि भाग्य के भाव में जब गुरु वक्री हैं तो भाग्य साथ तो देगा, पर आपको थोड़ा सोच समझ के काम करना होगा। वक्री ग्रह रुकता है, पीछे जाता है, पीछे जाता है, देखता है क्या चल रहा है, सब ठीक ठाक है, सब नहीं है, सब ठीक तरह से तो हो रहा है, फिर अपने रास्ते पे चलता है। तो भाग्य के लिए, भाग्य के लिए जैसे शिक्षा है, एजुकेशन है आपकी, धर्म का पाथ है, आपके पिता हैं, गुरु हैं, सीनियर्स हैं, आपका नेटवर्क सर्किल है, यात्राएं हैं, इन सब में आपको एक समय है देखने का, समझने का कि आप सही रास्ते पर तो जा रहे हो, सही एजुकेशन तो ले रहे हो, अपने माता पिता गुरुओं का सम्मान तो कर रहे हो, अपने बड़े भाई बहन उनकी रेस्पेक्ट तो आप कर रहे हो, नॉलेज तो आप जो पढ़ रहे हो, जो डिग्री ले रहे हो वो सही तो है, सही रास्ते पर तो आप हो, ये कहना चाहते हैं गुरु कि भाई इन चीज़ों को समझ लीजिए। और भाग्य में भी कोई ट्रेवल के लिए जा रहे हो तो कुछ थोड़ा बहुत चीज़ें रुक कर ही होंगी, थोड़ा सा उनमें कुछ अवरोध आ सकता है, ये इस चीज़ को दिखा रहा है। वैसे इसके साथ साथ वो अपना उसी तरह से उनकी जो पंचम दृष्टि है वो तो आपके सेहत पर पड़ रही है, आपके ओवरऑल पद प्रतिष्ठा पर पड़ रही है, समाज में आपकी स्थिति को सुधार ही रही है, पर ये आपसे भी कह रही है कि आप भी थोड़ा सा देखें कि आपकी जो समाज में स्थिति है क्या आप उससे खुश हो, जिस तरह की आपकी इमेज बन रही है, क्योंकि एक बार इमेज बन जाए ना फिर बदलना बड़ा मुश्किल होता है। व्यक्ति बदल जाता है, इमेज नहीं बदलती
है ना। तो इमेज का ध्यान रखो समाज में अपनी, इस चीज़ को कहना चाह रहे हैं गुरु। इसके साथ साथ तृतीय भाव, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आपके भाई बहनों से रिश्ते कैसे हैं, रिस्क लेना आपकी जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है वो कैसी है, आप रिस्क ले पाते हो नहीं ले पाते हो। अगर आप सही, आपको लगता है ठीक है तो ठीक है, अगर आपको लगता है सुधार की आवश्यकता है तो सुधारिए। ये गुरु कह रहे हैं कि अगर आपने ऐसा नहीं सुधारा तो आगे दिक्कत हो सकती है। भाई बहनों के साथ रिश्ते, कम्युनिकेशन को सुधारने की आवश्यकता है। या फिर वो गुरु कहते हैं कि भाई ये समय है कि इस चीज़ को समय दो, तृतीय भाव का रिजल्ट तो देंगे ही, मतलब थोड़ा बहुत ट्रेवल आपकी लाइफ में रहेगा, ट्रेवल भाई बहन का कहीं ना कहीं रोल बढ़ने वाला है। अगर आप क्रिएटिविटी के काम में हो, डांसिंग का आपका काम है, कोई रिस्क टेकिंग काम है आपका, मीडिया से आप जुड़े हुए हो, थर्ड हाउस इसका भी होता है, सबकॉन्शियस माइंड मतलब कि कहीं ना कहीं इमेजिनेशन से जुड़ा आपका कोई काम है, तो उस काम में आपको सफलता मिलेगी, पर थोड़ा रुक रुक कर। पंचम भाव, संतान प्राप्ति आपको करा सकते हैं, इसके साथ साथ शिक्षा के लिए बढ़िया है, पर ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको संतान प्राप्ति है ऑलरेडी तो संतान पे थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है कि वो सही रास्ते पर तो है। शिक्षा के क्षेत्र में भी ये कह रहे हैं कि भाई आप जिस तरह से पढ़ाई कर रहे हो वहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। रिविजन तो कर रहे हो ना, पीछे देखते जा रहे हो ना, ऐसा तो नहीं आगे बढ़ते जा रहे हो पीछे भूलते जा रहे हो, ऐसा तो नहीं हो रहा आपके साथ। अगर ऐसा हो रहा है तो ध्यान रखिए, आपको आगे दिक्कत हो सकती है। ये कहने जा रहे हैं गुरु कब, 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक। ऐसे में आप कुछ नया कर सकते हो बिल्कुल, पर अगर आप पहले चेक कर लो कि आप जो कर रहे हो, फिलहाल जो कर रहे हो उसमें कोई गलती तो नहीं है, नींव भी तो गलत नहीं है चीज़ों की, ये कहना चाहते हैं गुरु। बाकी तो यहाँ पे बैठे हुए दृष्टियाँ तो लेके पहले से ही बैठे हैं, अभी से चलिए, ये परिवर्तन है जो आ रहा है, और ये आ रहा है अष्टम भाव, ये एक एडिशनल है एकदम ही नया कि भाई कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं, आप थोड़े स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ जा सकते हो, चीज़ों में गहराई में घुसने की आपकी आदत बन सकती है, यहाँ पर आप कुछ मोती निकाल के आ सकते हो। स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के साथ साथ कुछ इनहेरिटेंस, कुछ गिफ्ट, कुछ सडन ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में आ सकती हैं जो प्रीसियस तो हैं, अनमोल तो हैं, पर जिनका आपको अनुमान नहीं था। सडन चीज़ें हो सकती हैं, अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की दुनिया की चीज़ें भी हो सकती हैं, और कभी कभी ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जिनको आप सबके सामने ना लाना चाहो, कुछ सीक्रेट्स हो सकते हैं, सीक्रेट अच्छे भी हो सकते हैं और ना भी हो, समाज की नज़रिए से डिपेंड करता है। पर अष्टम भाव की जो चीज़ें वो छुपी हुई होती हैं, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में ध्यान रखने को भी कह रहा है, क्योंकि अष्टम भाव आयु का होता है कि आपको अपनी दिनचर्या का ख्याल रखना है। अब गुरु वक्री हैं तो ओवरऑल गुरु किस कारक हैं, गुरु पिता के कारक है ना, गुरु पिता, शिक्षा, विद्या, फैमिली, एजुकेशन, बच्चे, ये सब चीज़ें गुरु दिखाते हैं आपके, आपके फ्रेंड्स, नेटवर्क सर्किल, तो इन सब में आपको ध्यान रखना है, इनको सब में सुधारने की कोशिश करनी है। तो गुरु आपके ओवरऑल कहा जाए तो बहुत ही बढ़िया भाव में है, 9th हाउस में है, अच्छा गोचर है आपके लिए, विशेष गोचर है, सबसे अच्छे भावों में से आपके लिए बैठे हुए हैं 9th भाव में। तो ये था सिंह राशि के लिए गोचर का रिजल्ट, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो आप शेयर कीजिएगा, अपने मित्रों को भेज सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को भेज सकते हैं जो सिंह राशि वाले हैं, शायद उनको पसंद आए, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा, ऑल को क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको सारे नेटवर्क जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। अगले वीडियो तक कुछ अच्छा नया बढ़िया सुने, देखते रहें, सीखते रहें, और सभी का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।